मैं एक कार खरीदूंगा, मैं एक घर खरीदूंगा। वे लोग बाजार से सब्जियां खरीद रहे हैं। खरीदना के इंग्लिश में क्या लगाऊं, बाय लगाऊं या फिर परचेज लगाऊं? सो मेनी कंफ्यूजन आर देयर। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि बाय का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और परचेज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि बाय और परचेज में क्या डिफरेंस होता है। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए। बाय और परचेज, बाय और परचेज ये दोनों ही वर्ब होते हैं। ये दोनों क्या है, वर्ब है। बाय भी वर्ब है और परचेज भी वर्ब है। जहां बाय क्या है, बाय एक इनफॉर्मल वर्ब है। बाय क्या है, इनफॉर्मल है, और परचेज क्या है, फॉर्मल है। परचेज क्या है, फॉर्मल है। आइए समझते हैं इनका यूज क्या है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। आइए समझते हैं। देखिए बाय का यूज जो है हम लोग करते हैं रिटेल में। रिटेल का मतलब क्या होता है, फुटकर। यानी जब हम कोई चीज फुटकर में खरीदते हैं, कम मात्रा में खरीदते हैं, इक्का दुक्का खरीदते हैं, तो हम लोग बाय का यूज करते हैं। यानी बाय का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, जब हम कोई चीज स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहे हैं तब हम लोग बाय का यूज कर रहे हैं। क्लियर। और देखिए क्या है, जब कोई चीजें लेस एक्सपेंसिव हो, क्या हो, लेस एक्सपेंसिव, यानी कम महंगा अगर कोई चीज हो तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे खरीदने का, इंग्लिश बाय का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डेली यूज्ड एसेंशियल थिंग्स। यानी जो डेली बेसिस पे जो चीजें हम खरीदते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय का यूज करते हैं। जैसे हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे वेजिटेबल। वेजिटेबल्स क्या है, हम लोग लगभग डेली खरीदते हैं या एक दो दिन गैप करके खरीदते हैं। फ्रूट्स यानी फल, फल क्या है, डेली बेसिस पे खरीदे जाते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज है जो डेली बेसिस पे खरीदी जाती है उनके साथ खरीदना का इंग्लिश बाय का यूज होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो इन सब के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय का यूज करेंगे। आइए परचेज को हम समझते हैं। देखिए परचेज का यूज कहाँ होता है, होलसेल के लिए। होलसेल यानी थोक। जब हम कोई भी चीजें थोक में खरीदते हैं यानी बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तब हम लोग परचेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम लोग कोई भी चीज लार्ज अमाउंट में खरीदते हैं तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं परचेज का। क्लियर। या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो, यानी फॉर एक्सपेंसिव थिंग, फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स, यानी महंगी चीजों के लिए हम लोग परचेज का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसी चीजें जो हम बहुत कम खरीदते हैं, कभी कभार खरीदते हैं, इक्का दुक्का मात्रा में खरीदते हैं, तो हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा हाउस, तो क्या घर हम डेली खरीदते हैं, नहीं, लाइफ में इक्का दुक्का बार हम लोग घर खरीदते हैं, कभी कभार खरीदते हैं। कार, कार भी हम लोग क्या है, कभी कभार खरीदते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि बाय और परचेज में क्या डिफरेंस है। तो अब इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है आप यूज करिए कि बाय का इस्तेमाल कहाँ करना है और परचेज का इस्तेमाल कहाँ करना है। थैंक यू वेरी मच।